हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है? That's Archana Yadav in the house. That's Archana Puran Singh in the house. Ajay Vijay Raju in the house. ये कौन है? ये मेरे जीजा है यार, उधर बैठे हैं। मेरा जीजा लोग मेरे को बोले थे शो में आएंगे, मेरा नाम जरूर लेना, मेरे को उनका नाम लेने पड़ेंगे। क्या है, मेरा जीजा है, फिर नाराज हो जाएगी तो प्रॉब्लम होता है। आपको तो पता है बटर चिकन बनाना आसान है, लेकिन रूटे हुए जीजा को मनाना। It's a task, but I'm telling you, Archana, I'm a huge fan. I can't tell you. एक बार संजीव जी, कुणाल जी और रणवीर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं क्या बोलेंगे? मैं अक्षय यादव है, मैं लंदन से आए हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप खाना बनाते हैं, मैं खाते हैं, इससे ज़्यादा प्योर रिश्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या बात है? I love you guys. हम आप जैसे लोगों के बड़े फैन हैं। हाँ। Well, thank you so much. मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया, आप यकीन नहीं करेंगे। ओह। ये लीजिए डांटर है। ये तो खाली थाली है। तो खाना तो ये लोग डालेंगे ना। नहीं, और क्या यार? सर एक काम कीजिए, थोड़ा 4-5 नान लगा दीजिए, आप पराठे लगा दीजिए, आप थोड़ा दाल लगा दीजिए। अर्चना जी, आप अपने पति को फोन लगा दीजिए, बुला लिए। आज का पार्टी मेरे तरफ से। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है। अरे सर, ये आपको पता है, ये पहले तंदूर थे, हम सबने पैसे डाल के गर्दन लगवा के दिए इनको। ब्रो, मेरा मजाक उड़ा रही है। और तेरा कुछ उड़ा सकते हैं। आपकी शर्ट पतलून बहुत बढ़िया यार, ये मेरे को भी चाहिए। यार नाइट सूट है, मुझे चाहिए। I will give it to you. Okay. It's all yours. आपको पता है ये सूट नहीं अर्चना जी की गाड़ी का कवर है ये। ये क्या बात हुई ब्रो? ये फनी बात है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा है, मेरे को खाने पीने के इतना ज्यादा शौक है, मैं शेफ का कोर्स भी किए हैं। हाँ, उधर शेफ का कोर्स के बाद मेरे को वो भी मिले, वो क्या बोलते हैं, डिग्री? नहीं नहीं, ये टोपी टोपी, ये मैं इधर इशारा कर रहे, सर्टिफिकेट में सर पे लगाएंगे क्या? कमाल का बात कर रहे हैं यार। टोपी के साथ साथ वो डीप नेक वाला बनियान होते हैं ना, वो भी दिया वो लोग मेरे को। डीप नेक बनियान नहीं, एप्रन। एप्रन होता है, एप्रन मई जून, वो सब मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन वो डीप नेक वाला बनियान पहन के ही मैं आज से खाना बनाएंगे। ये झूठ बोलता है सर। हाँ। इसको कुछ नहीं आता है, इसको खाने बनाने के बारे में कुछ नहीं पता इसको। ब्रो बोल रहा है सर। यस। अब डायमीटर देखो। देख रहे हैं, डायमीटर देखो, है डायमीटर। ये आदमी को खाने के बारे में नहीं पता होगी तो किसको पता होगी? ऐसे पॉइंट है, हम तीनों शेफ मिलके किस काम के शेफ हैं अगर वो डायमीटर हमारा फिर भी कम है? Exactly. मैं बोल रहा है, मैं सिर्फ खाना खाते नहीं है, मैं खाना पहनते भी है। लोगों का 56 इंच का छाती होता है, मेरा 56 भोग का छाती है। You see that? भोगी भोग। Feel it, feel it. और मैं आपको अर्चना जी, मैं मजाक नहीं कर रहे सर, मेरे को खाना पीने का इतना शौक है, मैं चावल देख के बता सकते कि ये चावल खिचड़ी में जाएंगे कि बिरयानी में। वो कैसे? वो मैं अपने हाथ से बनाएंगे, मेरे को पता है ना मैं किधर डालेंगे। ये अजीब सी बातें तो तुम अकेले में भी कर सकते थे ना शीशा देख के, हमारा टाइम में क्यों वेस्ट कर रहे हो? करने क्या है तुम इधर, क्या मांगता है तुमको? Don't scream. I get scared. I get scared. मैं बता रहे हैं, मैं करने क्या आए सर, मैं हक का लड़ाई लड़ने आए। नहीं बता रहे, पर ये हक का लड़ाई मेरा नहीं है, मैं इसका। ओह करेला। मैं करेले का हक का लड़ाई लड़ने आए अर्चना जी। बहुत गलत है सर, आप लोग सलाद बनाते हैं, उसमें ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, जो सबको रुलाता है, लेकिन करेला आप नहीं डाल रहे सैलेड में। क्यों? क्योंकि ये कड़वा होता है। तो कड़वा होते तो क्या हो गया? आपने कौन सा प्याज के रसगुल्ले खा लिए? सैलेड में डालो, पराठे में डालो ना, सैलेड में जा रहा है ना, पराठे में जा रहा है ना, इसका चटनी बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब्जी तो बनता है ना करेले का, लेकिन खाता कौन है वो सब्जी? आज ये प्रण लेते हैं हम हाँ। कि ये करेला आप खाएंगे, पूरा खाएंगे और अभी खाएंगे और हम खिलाएंगे करेला करेले की हक खिलाएंगे, करेला की हक खिलाएंगे। अभी अभी आपको जवाब मिल गया, सलाद में क्यों नहीं जाता और वो सब, हलवा क्यों नहीं बनता, जूस क्यों नहीं बनता। मैं जानना चाहेगा ये किसका चाल है। देखो हमें 5 साल पुराने समोसे खिलाओगे तो करेले ऐसे ही मिलेंगे। याद रखना ठाकुर, मैं याद रखेंगे, ये मैं कभी नहीं भूलेंगे, ये भूलने वाला बात है भी नहीं। एक और आदमी जिसको इंसाफ चाहिए, कौन? तेरे शॉर्ट्स को। वो कहते हैं हमें निकाले, हमारा दम घुट रहा है इसमें, हमें आजादी चाहिए। सुनो अभी तुम्हारे लिए एक बिजनेस डील है, बताओ। अभी मेरे को बताया कुणाल जी ने, बहुत बड़ा किचन है हैदराबाद में, तो उधर एज ए कुकर लगोगे। कुछ नहीं करना है, खाली नाभि में सीटी लगानी है, बाकी वो कर लेंगे। करोगे? अच्छा आइडिया है, मेरे ऑफिस में आइए, अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्या डाइटिंग वाइटिंग किया कर, कुछ तेरा भला होगा। अच्छा जा। सर ऐसा बात नहीं है कि मैंने डाइटिंग नहीं की है, मैं किए थे डाइटिंग। यकीन मानिए मैं डाइटिंग शुरू ही किए, अगले दिन किसी ने मेरे सामने गाजर का हलवा रख दिया। अब वो गाजर का हलवा मेरे सामने घी के आंसू रो रहा है। वो गाजर के हलवे ने मुझे देखे, उस गाजर के हलवे को मैंने देखे, फिर बस फिर हमने और कुछ नहीं देखे। ना जाने कब हम दो जिस्म एक जान हो गए। अच्छा और थोड़ी देर में 20 बटर नान हो गए। अरे वाह वाह। फिर 5 किलो बिरयानी और 5 मीठे पान हो गए। ये क्या एक और करेला? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक कॉल आ रहा है, मेरा एक कॉल आ। Oh my God, Gordon Ramsay. एक मिनट, हेलो ये Gordon Ramsay। देखो मेरा बात समझो, तुम्हारा गार्डन में जो अच्छा फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट उगता है सिर्फ वो खाओ, उससे तुम्हारा गार्डन में कभी तकलीफ नहीं होगा। गार्डन फास्ट मत खाना, राम से खाओ, राम से, ठीक है Gordon Ramsay। अब मैं फोन काट रहा है। Alright sir, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुए, दिल खुश हो गया। ये आप रखेंगे, मैं लेके जाएंगे ब्रो। Alright, खुश हो गया। Thank you, nice meeting you sir। ऐसे मजा आया, बहुत मजा आया। I'll see you, yeah bro। रवीर जी मजा आ गया आपको देख के, लेकिन संजीव जी मजा आ गया, क्या बात है सर। सर आप बैठिए ना सर, इतनी इज्जत नहीं मेरी इधर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ। 50% ठीक है। जैसे सर आप टीवी पे पकाते हैं ना, हाँ ये भी टीवी पे पकाते हैं। बिल्कुल हमारा काम। देखो बहुत कम लोगों की किस्मत होती है टीवी पे पका के खजाना बनाना। सर ऐसी बात है कि मैं पकाता हूँ लेकिन इसमें मैं शर्माता नहीं। जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया था ना 950 किलो खिचड़ी बना के, मैंने 1000 किलो खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया। कपिल बता दे। बिल्कुल 1000 किलो बनाई तब जाके एक कटोरी सही निकली। वो भी इन्होंने कहा कि सही निकली। कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते, 4 पैसे आए घर में। सर देखो पैसा क्या है, पैसा तो आना जाना है, पैसा तो आज संजीव जी के पास है तो कल फिर इनके पास ही रहना है, मेरे को तो इन्होंने देना नहीं है। पैसा तो कपिल हाथ की मैल है, मैं तेरे को बता। और इन्होंने जब से ये कहावत सुनी ना, पैसा हाथ की मैल होती है, ये पैरों पे चलते नहीं, हाथों पे चलना शुरू कर दिया ताकि मैल लगे। अच्छा जूते इनके नए, हाथ इनके घिस गए। अरे देखो ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब अंबानी साहब ऐसे नहीं मेरे हो गए, क्या थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज देखो कहाँ है। टाटा साहब नमक बेचते थे, आज देखो कहाँ है। और छोड़ो अपना प्रमोद लगा लो, पंचर लगाता था, आज देखो कहाँ है। वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ है, मैंने पंचर लगाया, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। यही फालतू की बातें करने आए यहाँ पे। मेरी बेइज्जती करता रहता है कि ये बातें करने आए हो। जो पहले बंदे आए थे वो क्या देश का बजट यहाँ पे डिसाइड करने आए थे। वो भी ऐसी बातें करके आए थे। एक्चुअली सर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जो मेन बात है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कल को हमने मिलना है, इकट्ठे जाया करेंगे ऐसे ही हम लोग, तो थोड़ा अभी से हम बना करें। पहला टिप मैं आपको एक टिप दूं, रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया छोड़ दो। अच्छा, खुद ही तरक्की करो, दूसरा ना करे। आपने पहले कभी खाना बनाया जो रेस्टोरेंट खोलोगे आप? सर क्या बात करो, आधी इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, ये खाना बना चुका हूँ। हमारे लेजेंड आर्टिस्ट राखी जी के वहाँ पे मैंने खाना बनाया 3 साल, लेकिन वहाँ पे ना रोज 2 लोगों का खाना वहाँ पे वेस्ट हो जाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। करण अर्जुन का मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं 2 लोगों का खाना बनाता था, खाना बच जाता था, वो खाते नहीं थे, तो मेरा डायलॉग इन्होंने खराब कर दिया। फिर मैं मीका जी के घर चला गया, मैं पहले दिन ही नौकरी छोड़ दी। क्यों? वो आते कहते आज की पार्टी मेरी तरफ से। मैं कहा यहाँ तो रोज बंदे आने, पार्टियाँ होने, ना ना कितना खाना ही बनना। फिर अर्चना जी घर पे मैंने नौकरी की, रिलीफ। वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं, खाना गर्म ही करना है, उठा उठू के पता नहीं कहाँ से ले आती थी। देखो ये खाना वाना छोड़ो, आप वो करो जो आपको आता है। देखो ये गाना सुनेगा, इसको गाने का बड़ा शौक है कि मैं गाना गाऊं। आप कहाँ से सिंगर है? पैरों से। पैरों से मतलब? मैं जब तक किसी के पैर नहीं पकड़ लेता ना सर, मेरा गाना नहीं सुनते, बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को। ये है मतलब थोड़ा सा अभी अभी खाने की बातें कर रहे थे, अभी गाने की बातें करने लग गए। ये तो इनका करैक्टर है यार, गाना और खाना ये सेम होता है, थोड़ा ही फर्क होता है, बाकी सब सेम ही होता है। देखो जैसे गाने में अंतरा होता है, खाने में संतरा होता है। संतरा अंतरा सेम कैसे हो गए? मैंने कहा ना थोड़ा ही फर्क होता है। और सा का हाँ, इसको यकीन नहीं है, मैं आपको गा के बताता हूँ। आलू गोभी टिंडे करेला पनीर पा मसाला पा पा तड़का लो हो। अरे साहब नमस्ते। अरे साहब साहब थोड़ा ऊंचा गाओ ना साहब, ताकि मेरी चाय गर्म हो जाए। मेरे गाने से चाय कैसे गर्म हो जाएगी? अरे आपके गाने से दिमाग गर्म हो जाता है साहब। कमाल करते, चाय तो गर्म होगी नहीं। नमस्ते साहब, नमस्ते। मैं राजू चाय वाला साहब, मेरे इधर चाय का दुकान है। हाँ सर, आप जूस लेंगे? अरे बोल रहे हो चाय चाय और पिलाएगा जूस, कितना झूठा है। तो आपने भी तो बोला था इधर आके मैं कॉमेडी करूंगा, किया क्या? आप भी तो गाना गाते हो ना साहब। अरे कपिल सेठ कैसे साहब? एकदम बढ़िया। अरे साहब प्लीज ये चाचा जी को अपने बुलाया करो साहब इधर। क्यों? इनकी वजह से मेरी चाय की दुकान बहुत चल रही है। अरे थैंक यू सो मच, पर मेरे आने से कैसे चलती है? जब इनका एक्ट आता है ना, सब लोग पीछे चाय पीने आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है साहब। ये ऐसे ही है, ये अपना आपस में मजाक चलता है। इनका मजाक आपस में ही चलता है, हम लोगों का मजाक पूरी दुनिया में चलता है। ऐसा रहता है। ओ हेलो सर, ये इधर 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 एक, जो तेरा काम है ना तू वो कर, चाय बना। कितना पैसा दोगे साहब पहले बताओ मेरे को? पैसे नहीं, मैं गाना सुना दूंगा। गाने के मैं ज्यादा पैसे लूंगा। मेरे को डराना नहीं, चाय भले फ्री में पी लो, गाना वाना नहीं साहब। यार कपिल ये बेइज्जती करवाने मेरे को बुलाया यार। हाँ। मैं चल हाँ? नहीं मतलब अरे आपको गुस्सा कर गए सर, कमाल है सर, बहुत होगी मेरी। तू मेरे को थप्पड़ मार लेता मैं बर्दाश्त करता, जो मेरे को बेइज्जती के गाने की मेरी मैं बर्दाश्त नहीं। अगर इनके खाने की बेइज्जती करोगे आप बर्दाश्त करोगे? नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे साहब, बेइज्जती ऐसे थोड़ी कर रहे यार, ऐसी बात नहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते साहब। एक बार लैरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब। बहुत मेहनत किया है आदमी ने, ऐसी बात नहीं है साहब, हम लोग मजाक करते लेकिन आदमी का स्ट्रगल एक रहता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने साहब। पैसा नहीं था मालूम है संजीव जी, लंगूरों के मुंह से केला छीन छीन के आदमी ने खाई लाया साहब। छोड़ो नहीं नहीं साहब, नहीं साहब बताना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल टाइम में किसी ने आदमी को बोल दिया बंदर हमारे पूर्वज है, ये जाके बंदर से लड़ने लगे मालूम है, कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। नहीं साहब पुरानी बातें छोड़ो ना। नहीं साहब आपके बारे में बताना जरूरी है, ऐसे नहीं खड़ा है। अरे जो आदमी पंजाब से बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के बंबई आएगा वो किधर बैठ सकता है? छोड़ो ना। नहीं साहब छोड़ो पुरानी बातें होगी जो हो गया। नहीं साहब बताना आपका स्ट्रगल बता रहा हूँ साहब, कितना मेहनत करके आए, भिखारी टाइप आदमी थे लोग। छोड़ो नहीं साहब बताना जरूरी है। अर्चना जी इनके घर पे टॉयलेट नहीं था मालूम है, कुत्ते के कपड़े पहन के खंबे पे जाते थे ये लोग। छोड़ो पुरानी बातें। नहीं नहीं बताना जरूरी है आपके बारे में। अरे पैसे का रिस्क लेना कोई आदमी से सीखे साहब। नवाबों के घर पे घुंघरू पहन के नाचा ही आदमी पैसे के लिए। अरे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।